इंसान आए थे, इब्न बतूता आया था, है ना, क्या कहते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में सेलिकस निकेटर आया था, उसके बाद क्या इंडिका के जो लेखक है कौन, मेगास्थेनीज, वो आए थे। तो बहुत सारे अलग अलग जो ट्रेवलर थे जो दूसरे देश से आए थे, उन्होंने अपनी पुस्तक में यहाँ की जो स्थिति, वहां की जो सिचुएशन, पॉलिटिकल लाइफ, सोशल लाइफ एंड इकोनॉमिकल लाइफ के बारे में लिखा, उससे हमें बहुत सारी जानकारियां मिलती है। और दूसरे पहलू जो ब्रिटिशर्स के द्वारा नहीं, जिस पहलू पर नहीं ध्यान दिया गया, वो अनछुआ हुआ जो पहलू होगा, उस पहलू को हमने कहां पर देखा, ये पिलग्रिम्स और ट्रेवलर्स का जो काम था या उनका जो बुक था, उसके माध्यम से हमें देखने को मिलता है। एंड देन और क्या चीज से मिलता है, ऑटोबायोग्राफी ऑफ फेमस पर्सनैलिटी, और क्या चीज से, ऑटोबायोग्राफी ऑफ फेमस पर्सनैलिटी, ठीक है, जो भी फेमस लोग थे, जैसे महात्मा गांधी हुए, रविन्द्रनाथ टैगोर हुआ, है ना, मदन मोहन मालवीय हुए, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, या फिर जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो जो भी उस वक्त के लीडर्स थे, फेमस पर्सनैलिटी थे, उन्होंने जो अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी, उससे हमें अपने इतिहास का पता चलता है। क्योंकि ऑटोबायोग्राफी आप जानते हो क्या होता है, आत्मकथा जो खुद के द्वारा लिखी गई होता है। ऑटोबायोग्राफी एंड बायोग्राफी दोनों दो चीजें हैं, जब आपकी कहानी, किसी की भी जिंदगी की कहानी या फिर उसकी जीवनी कोई और लिखता है वो बायोग्राफी हुआ, लेकिन जब कोई अपनी जीवनी खुद लिखता है वो क्या होता है, ऑटोबायोग्राफी, खुद से लिखा हुआ अपनी जीवनी, है ना, वो आत्मकथा। तो ये जो ऑटोबायोग्राफी, जिन्होंने भी जो भी फेमस पर्सनैलिटी होते थे वो जो लिखते थे, तो उनसे हमें एक आइडिया मिलता है और एक्चुअल बातें पता चलती है कि उस वक्त हमारे देश में क्या हो रहा था और हमारे इतिहास के बारे, मतलब अपने इतिहास के बारे में हम जानते हैं, उस वक्त की क्या सिचुएशन थी, क्या सोशल कंडीशन था, इकोनॉमिकल कंडीशन था, किस तरह की उस वक्त की पॉलिटिकल कंडीशन थी, किस किस तरह को प्रेशर को उन्होंने रियलाइज किया था, किस किस तरह का कह सकते हैं कि अंग्रेजों के द्वारा किस किस तरह का दुर्व्यवहार किया जाता था, है ना, तो उन सब चीजों के बारे में कहां से हमको मिलती है, डायरीज ऑफ इंडियन पीपल, या फिर अकाउंट ऑफ पिलग्रिम्स एंड ट्रैवलर्स, या फिर ऑटोबायोग्राफी ऑफ फेमस पर्सनैलिटी एंड आइडियाज ऑफ लीडर एंड रिफॉर्मर्स ऑल्सो, ठीक है, और क्या, आइडियाज ऑफ सोशल रिफॉर्मर्स, समाज सुधार जिसे कहते हैं, रिफॉर्मर्स, लीडर्स के जो आइडिया होते थे, या फिर सोशल रिफॉर्मर्स के जो आइडियाज होते थे, इन सब चीजों की भी जानकारी मिलती है, क्योंकि बहुत सारे सोशल रिफॉर्मर हुए, ठीक है, जैसे मैंने बताया कौन, राजा रामवर्मा राय हुए, है ना, तो उस वक्त उन्होंने सती प्रथा का आरंभ किया था, तो उस वक्त इससे ये पता चलता है कि उस वक्त सती प्रथा जो एक कह सकते हैं कि बैड कल्चर था हमारे हमारे हिंदुइज्म में, तो उन चीजों को उन्होंने खत्म किया, उस वक्त की स्थिति, उस वक्त का जो सिचुएशन था उसके बारे में हमें पता चलता है, स्वामी दयानंद सरस्वती हुए, स्वामी विवेकानंद, है ना, रामकृष्ण परमहंस, तो ये सब सोशल रिफॉर्मर्स जिन्होंने समाज को सुधारने का काम किया, उनको अपग्रेड करने का काम किया, कह सकते हैं उनको एक अपग्रेडेशन, दैट उनका डेवलपमेंट किया, या फिर जो भी गलत चीजें हमारे समाज में थी उन चीजों को दूर करने का काम किया, तो इनका जो आइडिया कहीं कलेक्ट है एज ए बुक, किसी बुक में, या फिर कहीं किसी लेटर में लिखा गया हो, या कभी कि उस वक्त किसी अखबार में कोई उनका क्या कहते हैं, उनके अखबार में उनका किसी भी तरह का लेख प्रकाशित हुआ हो, तो वो सब चीज का जो कलेक्शन है उसके माध्यम से भी हमें अपने इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। लीडर्स के जो आइडिया थे उस वक्त के लीडर्स के क्या आइडिया रहे होंगे, किस तरह से वो देश की आजादी के लिए लड़ रहे थे और वो क्या आइडिया दे रहे थे, उन चीजों से हमें पता चलता है कि उस वक्त की जो सिचुएशन थी, कंडीशन थी, वो क्या रही होगी, ठीक है। एंड पोएट्स एंड नोवेलिस्ट, उतना ही योगदान किसका, पोएट्स का, कवि, वो भी उस वक्त के हिसाब से लिखते थे, है ना, जैसे इकबाल की भी कहा कि जो पोएट लिखते थे तो देश की आजादी पर लिखते थे, पोएट एंड नोवेलिस्ट जो नॉवल लिखा करते थे, है ना, तो उस वक्त ये सब चीजें वो दूसरी पहलू को छूती है, जिस पहलू को ब्रिटिशर्स ने हिस्ट्री में नहीं एम्फेसाइज किया, उन पर नहीं जोर किया, ठीक है। तो ये दूसरा पहलू था इंडियन पर्सपेक्टिव से, कि इंडियन पर्सपेक्टिव से हमें जानकारी कहां कहां से मिली बेटा, इंडियन पीपल की डायरीज से, अकाउंट ऑफ पिलग्रिम्स एंड
चैलेंज से ऑटोबायोग्राफी ऑफ फेमस पर्सनालिटी आइडिया ऑफ सोशल रिफॉर्मर्स एंड लीडर्स एंड पोएट एंड नॉवेलिस्ट। तो इन सब का जो लिखा होगा लिंक है ये, ठीक है, और इन सब का जो अकाउंट है, जो रिकॉर्ड है, इस रिकॉर्ड से हमें उस दूसरे पहलू के बारे में पता चलती है। इसके अलावा एक चीज और देखिए कि ये चीजें तो ठीक थी, इसके अलावा एक और प्रोस्पेक्टिव है जहां पर वो पहलू नहीं छुए गए और लोगों का ध्यान आकर्षित किया, हिस्टोरियन का ध्यान आकर्षित किया कि जो पढ़े लिखे लोग थे, पढ़े लिखे वर्ग के लोग थे, जो सोशल रिफॉर्मर थे या फिर लीडर्स थे और उन्हें उनके पास एजुकेशन थी, उन्होंने तो अपनी कहानी को लिख दिया, अपनी डायरी में लिख दिया, अपने अकाउंट में लिख दिया है ना, अपने पोएट में दिखाया, नॉवेल में दिखाया, लेकिन एक दूसरा भी तो पहलू था। कौन सा वो दूसरा पहलू था बेटा? वो जो पढ़े लिखे नहीं थे, जो पीजेंट थे, जो सर्वेंट थे, जो वर्कर थे, है ना, जो ट्राइब्स थे, ट्राइबल्स थे, उनकी कहानी, वो पहलू को फिर कहां से पता चलेगी, है ना। तो जैसे जैसे हम देखेंगे और ये जो चैप्टर है आपका ये तो एक समझ है, जैसे जैसे आप मॉडर्न हिस्ट्री की तरफ आगे की तरफ बढ़ोगे इस बुक में बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट चाहिए और बहुत ही मजा आने वाला है, ठीक है, कि हम इन सब चीजों के बारे में जो हमारे मन में भी कई सारे सवाल उठ रहे होंगे उसका जवाब आपको कहीं भी आपकी किताब में ही मिलेगी। तो वो सब जो वर्कर्स थे, पीजेंट थे, सर्वेंट थे, उनके बारे में जिस जैसे जैसे हमारे सोसाइटी का डेवलपमेंट होता गया, लोगों का ध्यान उस तरफ भी आकर्षित हुआ और हमारे कुछ पढ़े लिखे वर्ग में से कुछ लोग उनकी तरफ भी आकर्षित हुए और उनकी भी स्थिति को ठीक करने में जुटे। यदि जो सोशल रिफॉर्मर्स थे वो ट्राइब्स को उसकी स्थिति में, जैसे बिरसा मुंडा का आपने नाम सुना होगा, है ना, भगवान बिरसा मुंडा का आदर झारखंड के थे, तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने किसके लिए काम किया था, डेवलपमेंट ऑफ ट्राइबल्स, ट्राइबल्स के उत्थान के लिए काम किया था। तो उन लोगों का जो उत्थान था उन लोगों के बारे में भी बाद में धीरे धीरे वो भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं और उनका भी क्या होता है, डेवलपमेंट शुरू होता है और इसी में से कुछ पोएट, कुछ नोवेल या फिर कुछ लीडर उनके बारे में लिखते हैं ये पेपर में या फिर किसी मैगजीन में, किसी जर्नल में उनके बारे में प्रकाशित होती है। तो ये सब किसी ट्राइब्स के बारे में अगर कोई बात है, किसी जर्नल में कोई पत्रकार जर्नलिस्ट उस चीजों को लिखता है या फिर कोई फेमस पर्सनैलिटी उनके बारे में अपना एक लिख लिखता है और अखबार में छपाता है, तो इससे क्या था, अब वो चीजें जिनके बारे में नहीं जान रहे थे वो भी क्या है, सब सामने आने लगी और पेपर के माध्यम से या फिर अदर रिकॉर्ड्स के माध्यम से बाद में जाकर के हमने उन चीजों को कलेक्ट किया और वो चीजें हेल्पफुल साबित हुई हमारे हिस्ट्री को लिखने में। तो इस तरह से आपने समझा कि किस तरह से इतिहास शुरू होता है, डेट और टाइम्स किस तरह से इंपॉर्टेंट होते हैं, पीरियडाइजेशन का क्या महत्व है, क्यों पीरियडाइजेशन किया गया, जेम्स मिल की पीरियडाइजेशन में क्या खामियां थी और किन वजहों से बाद में हमें फिर क्या हुआ कि इंडियन हिस्टोरियन को तीन अलग पार्ट में एंशिएंट, ठीक है, मेडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री में उनको डिवाइड किया एंड देन हमने उसके बाद जाना व्हाट इज कॉलोनी, ठीक है, कॉलोनाइजेशन के बारे में जाना कि इंडिया ने भारत को कैसे अपना कॉलोनी बना लिया, अपना उपनिवेश बना लिया, ठीक है। उसके बाद जाना है हम लोगों ने सोर्स ऑफ हिस्ट्री के बारे में कि हिस्ट्री के सोर्सेस कहां कहां से आए, किस तरह से ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन से हमें अपने हिस्ट्री के बारे में जानकारी लिखने में एक सुविधा मिली, हेल्पफुल हुआ एंड देन किस तरह से वो जो दूसरा प्रोस्पेक्टिव जिस पर ब्रिटिशर्स ने फोकस नहीं किया हमारे इंडियन प्रोस्पेक्टिव से किस तरह से डायरीज ऑफ इंडियन पीपल एंड देन अकाउंट ऑफ पिलग्रिम्स एंड ट्रैवलर्स उनके अकाउंट से किस तरह से हमको पता चला, जो नॉवेलिस्ट थे, जो पोएट थे उस वक्त के, वो जो उस वक्त की सिचुएशन के अकॉर्डिंग नॉवेल लिखते थे, पोएट लिखते थे, उससे हमें अपने हिस्ट्री को जानने में किस तरह से सहायता मिली, किस तरह से सोशल रिफॉर्मर्स और लीडर्स के आइडियाज जो कलेक्टेड थे या फिर जो उन्होंने एज ए बुक के रूप में या फिर किसी जर्नल के रूप में लिखा था उनसे हमको अपने इतिहास के बारे में जानकारी मिली। तो ये एक पूरा का पूरा आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया और कह सकते हैं, कहने को तो ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया लेकिन ये पूरा का पूरा चैप्टर अपने आप में एक शॉर्ट ब्रीफ था, दैट मींस पूरी की पूरी आपकी हिस्ट्री की जानकारी के लिए, उस हिस्ट्री को हम कैसे जानते हैं, क्या सोर्सेज होते हैं, एक चीजों के सोर्सेज के अकॉर्डिंग हम हिस्ट्री के इन चीजों के बारे में समझ पाए कि इतिहास की जो समझ होती है, इतिहास को जो लिखने का तरीका होता है, किस किस तरह के एविडेंसेस के आधार पर लिखे जाते हैं, ऐसा नहीं है बिना एविडेंस का किसी ने कुछ लिख दिया, सारे एविडेंस कलेक्ट किए जाते हैं अलग अलग जगहों से और
और उसको एक प्रॉपर वे में एक टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग इतिहास को लिखा जाता है। ठीक है, तो ये जो पूरा का पूरा चैप्टर था अपने आप में पूरा का पूरा किताब का एक निचोड़ था। ठीक है, उसकी समरी थी कि पूरा का पूरा हिस्ट्री अब आपको किस तरह से पढ़ना है और किस तरह से उसको समझना है, इसी में हमने इन सब चीजों के बारे में समझा। अब अगले वीडियो में, ये वीडियो में आपका ये जो चैप्टर था हाउ वेयर एंड व्हेन ये खत्म होता है। एंड देन अब नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नए चैप्टर के साथ नए दिन मुलाकात होगी। ओके, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।